तो बचपन में तो आप वो हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ को, मोस्टली बॉलीवुड मूवीज़ को बिल्कुल कॉपी करते थे ना, बहुत देखता वो था। आप देखते भी थे और करते भी थे, घर में इनएक्ट होता था ना, याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बताना चाहेंगे वो जिन जिन्होंने हमारा जूम का वो इंटरव्यू नहीं देखा, आई थिंक वी कैन दोबारा वो कहानी हम शेयर कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड भी बहुत ही ह्यूज, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में इट्स ऑलवेज बिन एन इन्फ्लुएंस, हॉलीवुड भी बॉलीवुड भी, बॉलीवुड क्योंकि वो सेम जुबान है तो ज़्यादा रिलेटेबल होता है, कल्चर थोड़ा सा सिमिलर है तो रिलेटेबल होता है। सो आई वाज ऑलवेज, ये हमारे सबके फेवरेट हैं खान्स, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। तो कौन से वाले खान बनना चाह रहे थे आप? मैं चाह रहा था कि तीनों मेरे अंदर आ जाए, मैं तीनों बन जाऊँ। मेरी जो फेवरेट फिल्म है ना ऑफ ऑल टाइम, इट्स अंदाज अपना अपना। ओह आई लव दैट वन, इट्स माय, आई हैव सीन इट अ बिलियन टाइम्स। सीरियसली, किसकी साइड पे हैं आप? दोनों आमिर खान या सलमान खान? I liked Aamir better than that. Salman cute थे, but I think जो Aamir Khan के जो presence of mind थे ना, थोड़ी sympathy भी आपकी उनकी तरफ ज़्यादा होती थी ना, but that's such a great movie. It's a classic. तो वो and obviously शाहरुख खान को हम देखते आ रहे हैं, तो I have always been fan, a huge fan of Bollywood, Hollywood भी, Hollywood primarily मैं superhero films काफी देखता हूँ। I know Marvel. Marvel, Marvel. Batman. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, I'm a huge fan of. So if you could fly, कहाँ जाएंगे आप? उड़ के? हाँ. I think मैं उड़ के जाऊँगा, वैसे I want to go to हंजा, okay. So मैं हंजा चला जाऊँगा। पता है असल में एक बात बताऊँ, मैं उड़ना इसलिए चाहूँगा बिकॉज आई हैव अ फोबिया ऑफ फ्लाइंग, मैं प्लेन्स में आई गेट एक्सट्रीमली scared. मतलब प्लेन में तो फिर भी मतलब एक लेयर होती है ना प्रोटेक्शन की लेयर, तो डायरेक्टली हवा में जाएंगे, मे बी कोई सुपर हीरो के साथ कोई करेज भी आ जाएगी मेरे अंदर, क्योंकि प्लेन जब व्हेन देयर इज टर्बुलेंस, सो जो जो मुझे कल में आते हैं, जो जो मुझे, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ मुझे पहुँचा दे, मैं नफल पढ़ूंगा अब मुझे पहुँचा दे। बाहर रहते थे कैसे ट्रैवल करते थे फिर? इट्स ऑलवेज बीन एन इशू, मैं जब कनाडा में भी था, अभी जब मैं अमेरिका भी गया था, आई हेट फ्लाइंग, इट्स द वर्स्ट पार्ट, मतलब आई एंजॉय वंस आई रीच इट्स गुड, बट जो वो ट्रैवल की चीज है, और मैंने सुना है कि हंजा की फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस होती है मैं उड़ के हंजा चला जाऊं। सो कौन सा वाले बैटमैन आपके फेवरेट हैं, द ओल्ड वन और द यंगर? सभी अच्छे हैं, आई रियली लाइक क्रिश्चियन बेल, उन्होंने जो डार्क नाइट में किया था आई थिंक, बट दैट्स आल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया, बहुत अच्छा था। अभी रिसेंटली रॉबर्ट पैटिनसन ने किया, ही इज आल्सो वेरी गुड, ही इज ब्रॉट हिज ओन टच टू इट, बट आई'd से कि क्रिश्चियन बेल इज माय फेवरेट। है ना वो जो ओरिजिनल्स होते हैं, जो एक ओल्ड, वो एक अपनी चीज लाते हैं, ही मेड बैटमैन बैटमैन, यू नो। अच्छा कमिंग टू द बॉलीवुड, घर में सीन्स इनएक्ट होते थे, बिल्कुल, तो कोई एक दो बताएंगे कौन से वाले ज्यादा, अदर देन कभी खुशी कभी गम का? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत इनएक्ट, उसके अलावा कोई और किया हुआ? कभी खुशी कभी गम बहुत होता था, फिर मैं वो ओ ओ जाने जाना पे डांस करता था बहुत। अच्छा। सलमान खान बन के आई प्ले द गिटार, सो वो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था, छोटा सा टॉय गिटार था उस टाइम पे, तो वो क्योंकि बजाता था तो मैं साथ लेके, आई शुड प्रिटेंड, यू नो माय मॉम यूज्ड टू सेट, यू नो ये भी मेरी फैमिली का कमाल है कि इतने छोटे से दे यूज्ड टू हाइप मी अप सो मच कि मुझे लगता था कि मैं हीरो हूँ। मुझे आपकी मदर इतनी क्यूट लगती है, आई हैव यू नो ह्यूज उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, बिकॉज उन वो आपने पहले भी बताया था कि वो इतना आपको इसमें आपको केटर करती थी कि उन्होंने कहीं जाना भी है तो वो कहती थी 3 बजे से पहले पहले अपने सारे जितनी ये तुमने करना है कर लो फिर मुझे निकलना है, लाइक शी नेवर सेड नो टू यू, यू नो। सो उनका बड़ा एक स्पेशल रोल आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रहा है जिसमें हम बात करते हैं, तो कौन सी सबसे पहली बॉलीवुड की मूवी याद है जिसको आपने देखा और उसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया, विच मेड यू थिंक लाइक मुझे हीरो बनना है, या हॉलीवुड की थी? हाँ नहीं नहीं, होगी बॉलीवुड की ही होगी। मैं असल में हर बार मूवी देख के सोचता था वाह मैंने अब ये हीरो बनना है, मैंने अब ये हीरो बनना चेंज होता रहता था, चेंज होता रहता था, बट सबसे जो मुझे पुराना याद है दैट इज एक्चुअली सलमान खान, ये प्यार किया, मैंने तो, प्यार किया नहीं, नहीं प्यार किया तो डरना क्या था जिसमें ओ ओ जाने जाना गाना, ओके मुझे भी याद नहीं। हां आई थिंक इट वाज, आई सॉ हिम बीइंग अ हीरो, ही वाज वेरी हीरोइक इन दैट, सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आई थिंक दैट्स एवरीवनस फेवरेट, तो उसमें शाहरुख खान भी बहुत, आई रियली लाइक्ड हिम, राज बिल्कुल, सब एवरीवन वांटेड टू बी राज, तो ये मूवीज देख के मुझे लगा था कि यू नो आई वांट टू बी अ हीरो। आई आल्सो रियली रियली लाइक्ड जब वी मेट, दैट केम, वो बहुत बाद में आई थी वो, लेकिन मुझे आई थिंक शाहिद कपूर आई थॉट वाज वेरी अंडररेटेड इन दैट फिल्म, आई थॉट कि उनको ड्यू अब मिला है, थोड़ा लेट मिला है उनको, पर ये इस तरह की फिल्म्स देख के ऑलवेज द गुड गाइज, आई लाइक द गुड गाइज ऑलवेज। तो कभी विलेन प्ले करेंगे आप? हाँ मैं करना चाहूँगा, लेकिन अगर विलेन के पास कोई रीज़न हो विलेन बनने का।
अगर वो वैसी कोई टिरनी फैला रहा है बगैर किसी वजह के तो नहीं, लेकिन अगर कोई स्टोरी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वी ऑल हैव दैट शेड इन अस, आई एम श्योर आप में भी होगा, देयर इज इट्स नॉट लाइक वी आर एंजल्स, वी आर ह्यूमंस, क्योंकि हम में सारे शेड्स हैं, सो वो शेड भी यू नो देयर आर सम टाइम्स आपको इतना गुस्सा आता है कि यू फील लाइक बीटिंग समवन अप और समथिंग, सो दैट रेज आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ नेगेटिव स्पेस, सो वो नेगेटिविटी हो, उससे कोई ओरिजिन हो तो जरूर. एक्चुअली अगर आप देखें तो हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज में बहुत दफ़ा जो विलन होता है उसकी एक बैक स्टोरी होती है. आप बहुत दफ़ा आपको पता चलता है कि अच्छा वो पहले नॉर्मल इंसान था या पहले वो इतना बुरा नहीं था, फिर उसकी नेगेटिविटी को जिंदगी ने या कुछ हालात ने कैसे वो किया. बिल्कुल, जैसे जोकर है, जोकर भी इट्स लाइक दैट. एग्जैक्टली, या माय क्यूरियोसिटी इज दैट कि बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इतने ज़्यादा आप क्रेजी थे कि आप फिल्मों के सीन्स को परफॉर्म कर रहे हैं घर पर, तो एक्टिंग पे जाने का क्यों नहीं ख्याल आया? डॉक्टर, क्रिकेटर एंड लॉयर, ये कैसे हो गया? घर वालों ने भी उस तक नहीं बोला? हाँ. आपका खुद भी नहीं आया, या आपने बोला लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया उस वक्त ज़िंदगी में? हाँ, असल में मैंने सोचा तो था कि बनना है, बट आई हैड नो क्लू कैसे क्या करना है. एंड एट अ वेरी यंग एज वी मूव टू कैनेडा, आई थिंक आई वाज इन 7th ग्रेड और 8th ग्रेड. उस टाइम पे शायद मुझे कोई कास्ट भी नहीं करता एज अ हीरो, मैं काफ़ी मोटा भी था और यू नो आई वाज वेरी वेरी चबी एंड यू नो नॉट वेरी लीन एंड एथलेटिक जिस तरह मैं था. आई यूज़ टू प्ले स्पोर्ट्स बट बहुत ही जंक शंक ये सब, तो एंड ऑल्सो वेरी यंग. तो उस वक्त पे मुझे लगा था कि मे बी वन डे, बट आई डिडंट नो हाउ. व्हेन आई मूव टू कैनेडा और मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, तो मैंने थोड़ा एक आइडिया फ्लोट किया घर में कि इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू यू नो गो इनटू दिस. So my father said, "Kya? Kisse? How will you get into it? You've not even studied acting. You've not. Yeah. You don't know how to do. You've not done theatre. You've not done anything. आपको कैसे पता कि कैसे कहाँ जाना है? तो उसमें फिर when I moved back to Pakistan, that was a blessing in disguise. Yeah. कि मैं law भी किया और साथ मुझे फिर opportunities मिल गई. A few friends told me, "Yar, pictures खिंचवा लो, portfolio बनवा लो. वो you know distribute that around. Then I started getting calls and. हम टीवी ने मुझे कॉल की थी और फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था. लोग क्या कहेंगे में ही उन्होंने मुझे बुलाया था. उसके लिए आई हैड ऑडिशन फॉर अ स्मॉलर पार्ट बट दे थॉट दैट आई कुड प्ले द लार्ज द बिगर कैरेक्टर. तो इट स्टार्टेड देयर बट आई वुड स्टिल से दैट लोग क्या कहेंगे वाज माय एक्टिंग स्कूल. वो मैंने सीखा वहाँ पे क्या कैमरा क्या होता है, फेस कैसे करना है, डायलॉग डिलीवरी कैसी होती है, मूवमेंट क्या रखनी चाहिए. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग द बेसिक्स. अच्छा, आपने कहा कि मैं जब सब बात कर रहा था तो मैंने सोचा मैं हसन हूँ और मैं हसन बन गया, राइट? एंड आई फील अभी जब मैं आपका नीम में कैरेक्टर देखती हूँ तो मुझे आप अमीर नहीं लगते हैं, मुझे आप वो अशद का ही कैरेक्टर लगते हैं. तो ये एंड मुझे ये बात आपकी बड़ी क्लिक की दैट व्हेन यू अज्यूम टू बी दैट पर्सन तो आप उसकी सारी क्वालिटीज़ आप अपनी एग्जिस्टेंस हटा के आप वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं.